हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। डियर स्टूडेंट्स, दोस हु आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक करें क्लास प्लस वन का चैप्टर है हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके अंदर हमने मतलब इससे पहले का जो टॉपिक किया था वो था हमारे पास एरर इन मेजरमेंट। तो वो एरर था हमारे पास इंडिविजुअल मेजर क्वांटिटी के अंदर, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट किया था मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो वो चीजें हमने इसके अंदर फाइंड आउट की थी। आज का जो हमारे पास टॉपिक है क्लास प्लस वन से रिलेटेड, क्लास प्लस वन चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसके अंदर जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर का ही पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन इन एरर। अभी तक जो हमने पार्ट किया था, जितने भी हमने पीछे न्यूमेरिकल्स किए थे, वो एक इंडिविजुअल वैल्यू से रिलेटेड किए थे, लाइक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, या फिर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट। तो ये पार्ट हमने किया था एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है टॉपिक कॉम्बिनेशन इन एरर से। कॉम्बिनेशन का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं और फिर उसका टोटल करते हैं कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी होगी, उसके अंदर एरर अक्कर होना, या कोई डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी एरिया निकालते हैं तो वहां पे हमें लेंथ इनटू ब्रेथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे भी हमारे पास क्या हो सकता है, एरर आ सकते हैं। अगर हम डिवीजन की बात करें तो हमारे पास, जैसे मैं बात करूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो ऐसा पार्ट के अंदर जो एरर आता है तो वो डिवीजन का पार्ट हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ स्केयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे साइड स्केयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है आर ऑफ फाइव टाइप्स, ठीक है, एरर इन सम, सेकंड एरर इन डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, थर्ड पार्ट एरर इन मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वन एरर इन डिवीजन, एंड फिफ्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एरर इन पावर। ठीक है, तो ये पांच टाइप के एरर हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन, या फिर जो भी हमारे पास डिस्कस हो जाएगा उस पार्ट को, फिर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल पार्ट। तो फर्स्ट टू डिस्कस हम करते हैं, जिसमें हम सम की बात कर रहे हैं और डिफरेंस की बात कर रहे हैं, आज दो ही डिस्कस करेंगे, देन सेकंड पार्ट के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, चलो फर्स्ट बात करते हैं कि एरर इन डिफरेंस एरर इन सम। तो इसकी सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेशन करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं कि लेट द टू मेजर्ड क्वांटिटीज हमने यहां पे कंसीडर की, जिसमें हमने लिखा ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, सम ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिखेंगे ए प्लस बी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस बी से। अगेन फिर लेट करके चलते हैं, लेट द एब्सोल्यूट एरर इन टू मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए से और डेल्टा बी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा ए से और डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी का मतलब क्या है हमारे पास, है स्मॉल चेंज जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेट द एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटी
सम के अंदर उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा एक्स, कितना कंसीडर कर लेंगे हम डेल्टा एक्स। लास्ट जो हमने रिजल्ट राइट किया था उसी के बेसिस पे हम इसको राइट करेंगे कि हमारे पास दोनों क्वांटिटी जो है एक्स है, ए है और बी है, तो हम उसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उस चीज को देखें, इसको लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो उसको लिखा जाता है ए, और ए के अंदर जो एरर है उसको लिखते हैं प्लस माइनस में, इसमें लिखेंगे प्लस माइनस के अंदर। सेम एज इट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, इसको भी हम क्या लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स जिसको हमने सम कंसीडर किया तो वो हमारे पास क्या होगा, इसको कैपिटल राइट कर लो, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा सा लगता है कि एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, कैपिटल में रिप्रेजेंट कर लो। सम जो है हमारे पास है, हमने इस प्रकार से दो मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जो हमारे पास पार्ट के अंदर है। ठीक है, जो सम है कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर जो हमने यहाँ पे कंसीडर पार्ट किया था कि लेट सम। ठीक है, जो सम ऑफ टू, सम ऑफ टू मेजर वैल्यू, जो दो मेजर वैल्यू है उनका सम कितना होगा, क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी उसको हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो एरर का जो पार्ट हमारे पास है वो कैसे हम निकालेंगे उस चीज को, तो जो मेजर वैल्यू है उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की जगह हमने लिखा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, सिमिलरली ए की जगह हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो ए प्लस बी को आगे लिख लो प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेट किया था कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो एक्स है हमारे पास है और राइट हैंड साइड में ए प्लस बी है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पे चाहिए है कि जो हमारे पास एरर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर, क्या होना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए एरर के अंदर जिसको आप लोग हमेशा फाइंड आउट करोगे। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो जो राइट हैंड साइड दिए स्टूडेंट है हमारे पास, इसमें दो क्वांटिटी प्लस की और दो क्वांटिटी माइनस की, तो यहाँ पे चार पॉसिबल केस बनते हैं। ठीक है, तो क्या बनेंगे हमारे पास पॉसिबल केस, तो पॉसिबल केसेस क्या होंगे हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी उसको हम राइट कर सकते हैं कि बोथ आर पॉजिटिव, वेरी गुड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हमें जरूरत है, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, इफ ए इज पॉजिटिव देन बी इज नेगेटिव, इफ ए इज नेगेटिव देन बी इज पॉजिटिव। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है वो किस केस के अंदर मिलेगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, जब जब दोनों वैल्यू किसकी होंगी प्लस की होंगी, तो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिखेंगे डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। तो ये हमारे पास होगा क्या, एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर, मतलब आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके अंदर आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा हमारे पास, एक्स को हमने लिखा ए प्लस बी और उसके अंदर जो एरर होगा उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स, आगे प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक है, जब भी सम करना हो तो हम इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला केस था हमारे पास, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया। अब डियर स्टूडेंट इसी के अंदर सेकंड केस आता है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, मुझे नहीं करना इसके अंदर, ठीक है, मैं इसी के अंदर ये चेंजेस कर दूंगा, एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। तो क्वांटिटी हमें वही मेजर करनी है, दो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर कर ली ए एंड बी, अब यहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे ए माइनस बी, है ना, सिंपल, मेरे लिए सिंपल। ठीक है, आप लोगों को दोबारा करना पड़ेगा, इस चीज को दोबारा से करें, आप ऐसे चलते गए, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, फिर सम, सम की जगह क्या लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू मेजर क्वांटिटी, यहां पे साइन किस चीज का आ जाएगा माइनस का,
अब देखो यहाँ पे साइन जो माइनस का आएगा तो ये साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इस वैल्यू को राइट करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को हम राइट करेंगे, ध्यान से देखें, ठीक है, इस वैल्यू को राइट कर रहे हैं कि हमारे पास पार्ट जो है वो हम किस प्रकार से राइट करेंगे। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। अब देखो ये माइनस का ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होंगे, साइन दोबारा से वही मिल जाएगी, आप अगेन फिर प्लस माइनस डेल्टा बी राइट कर सकते हो। तो ए माइनस बी आगे लिखा और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो अगेन इस पार्ट में से ये क्या हुआ कैंसिल्ड आउट, ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अगेन फिर आपको क्या फाइंड आउट कर रहे मैक्सिमम परमिसिबल एरर या पॉसिबल आप बोल सकते हो, क्योंकि जो इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा फिर अगेन फोर केसेस बनेंगे, जो वैल्यू सबसे पॉजिटिव होगी वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो क्या कहलाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। तो डियर स्टूडेंट अगर आप रिजल्ट देखो कि हमारे पास जो सम इन डिफरेंस है उसका रिजल्ट देखो, सॉरी एरर इन डिफरेंस है जो उसका रिजल्ट कितना है हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एरर इन सम का जो रिजल्ट है वो भी कितना हमारे पास है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो दोनों के केसेस के अंदर जो वैल्यू हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी एब्सोल्यूट एरर तो वो क्या होगा हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डोंट फॉरगेट दैट फॉर्मूला, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ोगे। चलो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो लेट करते हैं कि लेंथ ऑफ टू रोप, ठीक है, या टू स्ट्रिंग हमारे पास है, ठीक है, तो उनकी लेंथ हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं द लेंथ ऑफ टू रोड्स इज, ठीक है, कोई भी लेंथ हमारे पास गिवन है, फर्स्ट हमारे पास है 3.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड 4.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन सम एंड डिफरेंस। दोनों ही क्वेश्चन एक ही पार्ट के अंदर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि दो हमारे पास लेंथ ऑफ टू रोड गिवन है, ठीक है, फर्स्ट लेंथ कितना है जिसको हमने लिखा L1 इज इक्वल टू 3.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर और सेकंड लेंथ कितना हमारे पास है 4.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है सम और डिफरेंस के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो यहाँ पे जो डेल्टा L है डेल्टा L के अंदर हम इसको अगर लिखे कि ये A है तो हम इसके लिखने का तरीका क्या हुआ A प्लस माइनस डेल्टा A, ठीक है, तो ये अगर b है तो हमारे पास क्या होगा b प्लस माइनस डेल्टा b, कुछ इस प्रकार से हम इसको कंपेयर करके राइट करते हैं। तो पहली वैल्यू a को रिप्रेजेंट करती है दूसरी वैल्यू डेल्टा a को रिप्रेजेंट करती है। तो l1 के लिए हम लिख देंगे कि डेल्टा l1 जो है वो किसके इक्वल है 0.1 के इक्वल प्लस माइनस, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा b किसके इक्वल होगा 0.2, इसको हम लिखेंगे डेल्टा l2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो फर्स्ट रोड की लेंथ कितना है सेकेंड रोड की लेंथ कितना है 4, दोनों के अंदर एरर कितना है फर्स्ट रोड के अंदर लेंथ है एरर है 0.1 सेकेंड के अंदर कितना 0.2, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करना है, सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हुआ L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L की वैल्यू 3.0 L2 की वैल्यू 4.0 कितना बनेगा 7 मीटर बनेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो इसको लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस, ध्यान रखें डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू सिर्फ सम करना आपको प्लस माइनस कितना 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.3। अब आंसर लिखने का तरीका क्या होगा
आंसर लिखने का तरीका, हमारे पास जो सम आया वो कितना है 7, उसके अंदर एरर कितना है 0.3, तो ये आपका रिजेक्ट होगा। ठीक है, आंसर विद एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सम का पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया कि किस प्रकार से हम दो क्वांटिटी का सम कर सकते हैं, नोट कर लो साथ ही साथ। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, एल इजिकल टू, हमेशा याद रखें हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर दो, डिफरेंस पूछा गया है ना, तो हायर वैल्यू कितनी है 4, लोअर वैल्यू कितनी है 3, डिफरेंस कितना आया 1। एरर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या होगा मैक्सिमम, हमेशा पॉजिटिव। तो डेल्टा एल जो होगा वो सेम रहेगा, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, इसके अंदर आपको डिफरेंस नहीं राइट करना है। तो प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.3। आंसर लिखने का तरीका, रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 0.3 इन मीटर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि किस प्रकार से हम इस पार्ट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड टाइप का जो एरर है वो एरर हमारे पास है एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ये याद रखें, ये हमारे पास है सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो दो चीजों को पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब आप किसी दो क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते तो उसके अंदर एरर क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर वी फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ भी आती है और ब्रेथ भी आती है, तो वहां पे एरर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो चीजें यहाँ पे ध्यान से देखें। तो अगेन पार्ट वही कंसिडर करके चलना है, चेंज नहीं करना है कि हमारे पास लेट द टू मेजर्ड क्वांटिटी, दो मेजर्ड क्वांटिटी हमने कंसीडर कर ली, ए एंड बी। ठीक है, लेट द एब्सोल्यूट एरर इन टू मेजर्ड क्वांटिटी, इसको लिखा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा ए का मतलब मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट मेजर्ड इन ए, डेल्टा बी का मतलब मेजर्ड वैल्यू इन बी। ठीक है, लेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मेजर्ड वैल्यू, जो टू मेजर्ड वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी क्या आएगी, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे एक्स से। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर इन मल्टीप्लीकेशन उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्लस माइनस डेल्टा एक्स से। आपको सिर्फ इतने ही पार्ट के अंदर इसी प्रकार से राइट करना है कि हमारे पास दो क्वांटिटी किस प्रकार से है मेजर्ड वैल्यू, हम उसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू के अंदर क्या होगा हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या राइट करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, अगेन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। देखो सिंपल सा पार्ट। ठीक है, जैसे जैसे राइट करते जाओगे आप तो मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए इन टू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और बड़ा लिख दो, एक्स इज इक्वल टू ए इन टू बी। एक्स की वैल्यू राइट किया हमने एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, उसी प्रकार से ए को राइट किया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर बी को राइट किया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते, कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स को कॉमन निकाला, तो एक्स को कॉमन निकालेंगे तो कितना रहेगा 1 प्लस माइनस, इस टर्म में से कॉमन निकालूंगा तो डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, जब भी किसी फैक्टर में से कॉमन नहीं निकलता है, जब नेचुरल सी बात है, हम वहां पे डिवाइड कर देंगे उसको, तो कॉमन निकल जाता है। ए कॉमन निकाला, ए की जगह 1, डेल्टा ए में से निकालेंगे तो डेल्टा ए बाई ए। आगे फिर बी कॉमन निकाला तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ज्यादा लंबा जाने वाला इस चीज का ध्यान रखें।
बी कॉमन निकाल दिया हमने, बी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे वन बचेगा और इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए इंटू बी। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आया, एक्स इजिकल टू ए बी, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दो, कितना रह जाएगा आप आपके पास, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे कैलकुलेशन को, मल्टीप्लाई कर देंगे वन से दोनों को मल्टीप्लाई, वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर बी से मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाई बी, फिर दोनों की मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई ए इंटू में डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, वन से वन कैंसिल आउट। तो डियर स्टूडेंट आप इसके अंदर ये फैक्टर देख रहे हो जहां पे डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, अगर मैं 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी 0.01, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो होगा इनके कंपैरिजन वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी इज वेरी स्मॉल एंड देन नेग्लेक्टेड, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये काट दिया हमने, ठीक है। ये काटने के बाद ये स्टूडेंट अब क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने बताया था कि मैक्सिमम एरर होना चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल एरर होना चाहिए, पॉसिबल एरर होना चाहिए, कि आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए अगेन कितने केस बनेंगे, यहाँ पे फोर पॉसिबल केस बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब बोथ आर पॉजिटिव। तो प्लस माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन के अंदर एरर है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डियर स्टूडेंट जो ये रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है। क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये फ्रैक्शनल एरर है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको यहीं पे ही परसेंटेज एरर पूछ ले तो सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज दोनों साइड में सिर्फ क्या कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 100% से आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंटेज में आप इसको राइट कर सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए ये भी परसेंटेज में गिवन हो सकता है, डेल्टा बी बाई बी ये भी परसेंटेज में गिवन हो सकता है। तो ये कॉमन सा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो आगे चल के बहुत यूज में होने वाला है, ठीक है। अगर परसेंटेज का साइन हो तो हम उसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो परसेंटेज का पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो हमारे पास फोर्थ नंबर का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। अगेन फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज करूंगा इसी के अंदर, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। डिवीजन पार्ट के अंदर जो हमारे पास पार्ट होगा उसको हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास वही क्वांटिटी मेजर कर ली हमने, सब कुछ वही कंसीडर करके चले, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे ए बाई, क्या लिख देंगे ए बाई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चल के चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ आपको यहां तक सेम चीजें ही लिखनी है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, जो आपके पास गिवन है आप उसको एज इट इज लिखते जाए। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहां पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आने वाला है, आप लोग उसको याद करें, एक्स को कॉमन निकाला या फिर इसके पार्ट हम चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एक्स को कॉमन निकाला, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स
इज इक्वल टू ऊपर से ए कॉमन निकाला तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर बी कॉमन निकाले तो कितना, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। चलते जाओ, लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को ए बाई बी से कैंसिल आउट कर दो। डियर स्टूडेंट, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसकी पावर है 1 डिनोमिनेटर के अंदर, और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर बनेगी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, पावर इज -1। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, आप लोग उसको ध्यान में रखें, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। पूरा नाम लिख देता हूं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल को वैसे तो मैं नॉर्मली जो यूज करता हूं उसको मैं बोलता हूं ब्लूटूथ। क्या बोलता हूं? ब्लूटूथ, ठीक है। जब भी कोई ऐसी आती है तो ब्लूटूथ का यूज हम कहां पे करेंगे, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज कहां पे करेंगे? अगर हमारे पास आता है 1 प्लस में x की पावर n, 1 प्लस में x की पावर n लिखा है मैंने, और x जो होगा हमारे पास, x इज लेस देन वन, x इज लेस देन वन, और n इज ए इंटीजर, ठीक है, और जो n है हमारे पास वो क्या होगा, इंटीजर। तो ऐसी पावर को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का। किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं ब्लूटूथ। क्या बोलते हैं? ब्लूटूथ। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? 1 प्लस x की पावर n है, तो जो पावर है वो 1 n किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जो पावर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको सिर्फ रिजल्ट याद करना है, प्रूफ हम मैथमेटिकल टूल्स में कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या मिला, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन अगेन सेम रहेंगे, डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। आगे फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास कितना हुआ, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, फिर दोनों की मल्टीप्लाई किया डेल्टा a बाई a और इंटू डेल्टा b बाई बी। आगे सेम रिजल्ट है, सेम कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे हमने किसके अंदर किया था, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट। इन दोनों फैक्टर्स को भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, वेरी वेरी स्मॉल। तो कितना बचेगा, ये पार्ट अगेन बच गया, वही सेम रिजल्ट। जैसे प्लस माइनस के केस में रिजल्ट आया था हमारे पास, वैसे ही रिजल्ट किसके अंदर आ गया डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का जो रिजल्ट है वो दोनों सेम रिजल्ट होंगे, याद रखें। जो रिजल्ट आपका प्लस माइनस का है वही रिजल्ट आपका किसका है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिलेटेड पार्ट करते रहेंगे हम, इसी से चलते रहेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पार्ट आ जाएंगे, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, ठीक है। जम के न्यूमेरिकल करो, चीजों को समझें, कहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है वो चीज याद रखें, कि बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज कहां पे करते हैं, जब हमारे पास एक वैल्यू 1 प्लस x में हो और x इज वेरी वेरी स्मॉल हो, इन दैट कंडीशन वी यूज द बाइनोमियल थ्योरम। एरर हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होना चाहिए, इसलिए हम प्लस के साइन वहां पे यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर पार्ट आता है एरर इन पावर। एरर इन पावर डायरेक्ट करूंगा मैं चीजें, अब लिखने वाला नहीं हूं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने यहां पे, एक्स और ए और उसकी पावर को लिख दिया मैंने स्मॉल ए, ठीक है, पावर का फॉर्मूला। एक्स क्या है हमारे पास है, जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को, मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ए मेजर वैल्यू है और उसकी पावर के अंदर, सेम एज इट इज। एक्स के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना होगा, डेल्टा एक्स, और ए के अंदर जो एरर होगा वो कितना होगा, डेल्टा ए। अभी मैं यहां पे एक सिंगल क्वांटिटी ले रहा हूं, फिर दो, फिर तीन, फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास, x प्लस माइनस डेल्टा x, देखते जाएं, सिंपल है, a प्लस माइनस डेल्टा a
पावर इज ए, एक्स कॉमन निकाल लो, कितना रह गया वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। ओहो सर ये तो पता चल गया, ठीक है ना, आगे चलते हैं। ए कॉमन निकालो लेकिन पावर है, याद रखें जब भी आप किसी फैक्टर को कॉमन निकालोगे साथ में पावर भी कॉमन निकलेगी। वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए पावर इज ए, यहां पे कुछ नजर आया, काट दो फिर इसको, कट गया, कितना रह गया वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। हाँ 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 सर समझ में, ओहो सर ये तो पावर आ गई, क्या आ गई पावर, पावर फॉर्मूला, कौन सी थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, मतलब ब्लूटूथ का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ब्लूटूथ, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस में एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, और एन क्या है इंटीजर, और एक्स क्या है वेरी वेरी स्मॉल ऑफ एक्स, तो क्या होगा हमारे पास वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस ये फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई ए डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें आप क्या करोगे इस वन से इस वन को क्या कर दोगे कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा ए बाई ए। ओहो सर ये तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रिजल्ट समझ में आया, वहां पे भी प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स था, डेल्टा ए बाई ए भी था, अब क्या समझ में आपका जो पावर फॉर्मूला होता है उसकी पावर उस मल्टीप्लीकेशन के साथ एड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, ठीक है ओके। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है जल्दी जल्दी चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हम इससे राइट कर सके। दो फैक्टर लेके चलता हूं, ए की पावर ए बी की पावर बी, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा, तो यहाँ पे क्या होगा देखो एक्स को क्या लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है सर लग जाएंगे। इसी प्रकार से ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए और पावर इज ए, बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी पावर इज बी, ओ लिख दिया सर, एक्स कॉमन निकालो, निकाल लिया सर वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, सर समझ में आ गया, यहां से ए कॉमन पावर कॉमन निकलेगी, याद रखे कितना होगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, पावर कितनी रहेगी ए, यहां से बी कॉमन निकालो तो मतलब बी की पावर बी कॉमन निकलेगा तो कितना रहेगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर इज बी, ठीक है। तो ये टर्म इस टर्म से क्या हुई कैंसिल टर्म, कितना रहेगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए पावर इज ए वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर इज बी, ठीक है। अगेन फिर आप लोग देखो कि जो डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी है वो लेस देन वन है, ठीक है ऊपर पावर है, तो अगेन क्या करेंगे यूजिंग ब्लूटूथ, ओ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इस टर्म को सोल्व करने के लिए फिर किसका यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, तो क्या होगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स वन प्लस माइनस ए डेल्टा ए बाई ए, वेरी गुड, फिर वन प्लस माइनस बी डेल्टा बी बाई बी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है आगे चलो और थोड़ा सा पार्ट। अब मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में तो इसको सोल्व करेंगे, तो वन से मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस माइनस ए डेल्टा ए बाई ए, वेरी गुड, फिर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस बी डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो ए बी डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ओहो सर ये तो फिर वही पार्ट हो गया कि दो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए इसको तो क्या कर देंगे नेगलेक्ट, यहाँ पे वन से वन क्या हो जाएगा नेगलेक्ट, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस बी डेल्टा बी बाई बी। ओहो हो सर यहाँ पे तो फिर वही पॉसिबल केस बनाएंगे हम तो, क्योंकि यहाँ पे एक दो वैल्यू ये है और दो वैल्यू है, पॉसिबल पॉसिबल कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल एरर परमिसिबल एरर, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, पॉसिबल केस का मतलब हो गया कि प्लस वाली वैल्यू ही राइट कर देंगे, क्या राइट करना है प्लस वाली वैल्यू ही राइट कर देनी है डियर स्टूडेंट, ये आपके अंदर एरर आ गया दो जब दो की मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है जब दो की मल्टीप्लाई करोगे तो, अगर आप दो की डिवाइड करते हो तो क्या होगा,
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो को मल्टीप्लाई किया ना पावर को, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो फिर देखो एक्स इजिकल टू ए की पावर ए और बी की पावर बी, ठीक है ना। अब देखना रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, और इसको लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब डिवाइड का पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखें, मैंने थोड़ा सा गलत राइट कर दिया था। ओके, डिवाइड वाला पार्ट बी प्लस माइनस डेल्टा बी पावर इज बी, ठीक है, ये एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। यहां पर जो ए और बी जो थे वो दोनों मल्टीप्लाई है, और यहां पे मैंने केस क्या लिया, ए बाई ए डिवाइड बाई बी बाई बी, ठीक है, दोनों की डिवीजन हमारे पास है, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। एक्स कॉमन निकालो, निकाल लिया सर, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। ए कॉमन निकालो, पावर ए है, वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए पावर इज ए। बी कॉमन निकालो, बी की पावर बी कॉमन निकल गया, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर इज बी, ठीक है। तो ये तो यहां पे कैंसिल्ड आउट हो गया सर, इसको लिखेंगे वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब इसको देखो, ये पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगेन मैंने बोला था इंटीजर, क्या बोला था, इंटीजर बोला था, तो इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते और नेगेटिव भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते और नेगेटिव भी होते हैं। तो देखो, अगर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव था, अगर ये नेगेटिव है तो भी क्या होगा, सेम, ठीक है। अगेन किसका यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो कितना होगा हमारे पास, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ए से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू में डेल्टा ए बाई ए। उसी प्रकार से ये फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस माइनस बी डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना। आगे तो फिर वही सेम केस बन जाता है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या पता चला, अगर आपके दो फैक्टर की पावर है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर दो फैक्टर है दोनों की पावर है और दोनों के बीच का डिवीजन है, तब भी उनका रिजल्ट क्या होगा, दे गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, सेम रिजल्ट। तो इन दोनों से ही आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि अगर यहां पे मल्टीप्लाई है तब भी पावर फ्रैक्शनल एरर के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर प्लस का साइन होगा। अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या है, पावर आगे आ जाएगी और इन दोनों का फ्रैक्शनल जो है वो मैक्सिमम एरर के अंदर होगा। तो इसी प्रकार से आप सेम रिजल्ट इसको प्रूव कर सकते हो। अब मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी, ठीक है। तो मतलब दो चीज मल्टीप्लाई में है और दो चीज डिवाइड में भी है, तो हाउ टू सोल्व, डायरेक्ट सोचना है, सिर्फ डायरेक्ट चीजें क्या सोचना है, पावर आगे आ गई थी, क्या आ गई थी, पावर आगे और रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई। देखो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ए की पावर कितना है, ए है, लिख दो डेल्टा ए बाई ए, बी की पावर बी डेल्टा बी बाई बी। हमेशा याद रखना, नीचे वाली पावर जाती है ऊपर नेगेटिव, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम उसको क्या कर देती है, चेंज, एरर क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमेशा सी भी पॉजिटिव का होगा, डेल्टा सी बाई सी, आप उसको नेगेटिव मत लिख देना, कभी आप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम उसको नेगेटिव कर दो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग रिजल्ट बन जाए, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास है जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इंडिकेट करता है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम पावर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हो उस चीज को। चलो, इससे रिलेटेड दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, देन फाइंड आउट। तो क्या पार्ट होगा हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे मैं लिखता हूं जेड इज इक्वल टू ए की पावर फोर, बी की पावर थ्री, सी की पावर वन बाई टू, डी की पावर फाइव, ऐसा एक क्वेश्चन लिख दिया। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, तो डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी,
पावर आगे आ गई, ए को क्या लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए, वेरी गुड, पावर आगे आ जाएगी 3 डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। सी की पावर कितने है 1/2, ओहो आगे कर दो डेल्टा सी बाई सी। डी की पावर कितने 5 डेल्टा डी बाई डी। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ऐसे ही लिखते जाना है कि हमारे पास किस प्रकार से पार्ट बनेगी। और देख लो क्वेश्चन, जेड इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, बी की पावर 3/4, सी की पावर कुछ नहीं है और साथ में हमारे पास है डी की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस पावर आगे आ गई डेल्टा ए बाई ए, बी की पावर आगे आ गई डेल्टा बी बाई बी, सी की पावर कितना है 1 तो क्या लिखेंगे प्लस डेल्टा सी बाई सी, डी की पावर कितना है 2 डेल्टा डी बाई डी। डियर स्टूडेंट मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं आपको, एक ही बात के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करना है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड, इसमें हम परसेंटेज की बात कर सकते हैं कि गिवन क्या हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी बाई रूट डी, सी बाई रूट डी जिसमें ए बी सी और डी के अंदर एरर गिवन है 4%, 3%, 2% और 1%, कुछ इस प्रकार से एरर गिवन है कि ए के अंदर एरर ये है, बी के अंदर ये है, सी के अंदर ये, ठीक है। परसेंटेज तो क्या होगा हमारे पास डेल्टा, अब पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से जो पावर है आगे आ गई ए को हमने डेल्टा ए बाई ए लिखा, प्लस पावर आगे आ गई डेल्टा बी बाई बी, सी की पावर कुछ नहीं है तो डेल्टा सी बाई सी, अंडर रूट डी का मतलब 1/2 तो प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल दिया एब्सोल्यूट, लेकिन गिवन क्या है परसेंटेज एरर। तो डियर स्टूडेंट क्या करोगे, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो परसेंटेज इन ए कितना गिवन है 4%, लिख दो प्लस माइनस 2 इंटू में 4%, प्लस बी के अंदर कितने परसेंट है 3%, लिख दिया, सी के अंदर कितना परसेंट है 2%, ठीक है, और डी के अंदर कितना है 1%, तो 1/2 इंटू में 1%, परसेंटेज का साइन एक ही जगह पे लगा दो आउटसाइड में, ठीक है, दोनों सभी जगह पे भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप बाहर की तरफ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कितना बना प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 प्लस 2 प्लस 1/2 इन परसेंटेज, आगे चलेंगे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 9, 2, 11, 8, 19, 19 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 19, 2, 38 और 39/2 मतलब 19.5%, 19.5%। तो डियर स्टूडेंट आपको अगर एरर ऑफ एरर इन कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने पड़ोसियों को जो प्लस 1 प्लस 2 के अंदर पढ़ते हैं उन बच्चों को वीडियो दिखाएं, वीडियो के बारे में बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।